इज वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माई चैनल। मैं स्वेदारना, क्लास 10 का हम यूनिट 3 कर रहे हैं एनसीईआरटी से, और आज हम एग्जाम्पल 9 पे आ चुके हैं। कल एक या दो वीडियो के बाद जो है हमारा जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप पूरी यूनिट जो है प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल 9 करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है इस लीनियर इक्वेशन के। तो देखो, अगर हम पहली बार देखें तो 2/4 1/2 रेशियो, a1/a2, b1/b2 3/6 1/2, 8/7 यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और c1/c2 के नॉट इक्वल है, यानी कि दीज लाइंस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। लेकिन हम इसको करके दिखाते हैं। तो देखिए, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करेंगे तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड कहेंगे। बाई यूजिंग एलिमिनेशन मैथड देखो, हम y को इक्वल करते हैं, तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 6 है, तो एलसीएम 6 आना है। यानी कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी 6 है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है। तो मैं लिखूंगी ऑन मल्टीप्लाइंग, लैंग्वेज लिखना तो पड़ता है इसमें, तभी पता चलेगा आपने क्या क्या है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 1, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा, 2x, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, LHS से LHS सब्ट्रैक्ट करोगे, RHS से RHS सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस, ठीक है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, इज इक्वल टू 8 2 ज़ 16 माइनस 7। अब देखो, 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 7, में से 6 गए 9। अब देखो, माइनस था, दोनों के साइन हुए चेंज, 4x से 4x कैंसिल आउट, 6y से 6y कैंसिल आउट, ये आ गया 0/9। क्या 0/9 इक्वल हो सकता है? नॉट इक्वल, यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो देयरफोर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए अपना एग्जांपल 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।